सो हाय एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि जो हम लोग पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे एंट्री कर रहे हैं उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को करना क्या है कि आपको पोषण अभियान का जो डैशबोर्ड है वो गूगल क्रोम पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डाल लेना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड अपना डाल लेना है। चलिए हम यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। सिंपली इस प्रकार से आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप लोग इस प्रकार से लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा जहां पे आप लोगों को एक्टिविटी भरने की फॉर्म खुल के आएगी। अब जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पोषण अभियान जो ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें कि आप रोज़ नई नई एक्टिविटियाँ कर रही हैं, तमाम तरह की एक्टिविटियाँ जो आप लोग कर रही हैं उन सभी एक्टिविटियों को कैसे देखेंगे आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाले हैं उसको चेक कर लेना है कि ये हमारे परियोजना का यूज़र आईडी पासवर्ड है या नहीं है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 3 लाइन आप देख रहे हैं इस 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पर जो 3 लाइन है इस पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म मिल जाता है जहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक और नया पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको अपनी एंट्री चेक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र ऑटोमेटिक सेट रहेगा। यहाँ पे आपको लेवल सिलेक्ट करना है कि आप किस लेवल से यहाँ पे चेक करना चाहती हैं। यहाँ पे ब्लॉक आपको लिखा हुआ आएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है, जो एरो का निशान दिया गया है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लॉक लेवल का यहाँ पर दिखाया गया, यानी पूरे परियोजना में जो एक्टिविटी हुई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे AWC यानी जो आंगनवाड़ी सेविका है वो अपना खुद का एक्टिविटी यहाँ पर चेक कर सकती हैं कि हमारे द्वारा कितना एक्टिविटी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो हमें दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना AWC यानी कि अपना आंगनबाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपना आंगनबाड़ी केंद्र सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपने कितना एक्टिविटी इस महीने किया है वो सभी एक्टिविटी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज बाई पेज यहाँ पे आप लोगों को एक्टिविटी दिखाएगी, जैसे कि एक से लेकर आप लोग जितना एक्टिविटी किए हैं वो यहाँ पे पेज बाई पेज दिखेगी। एक एक्टिविटी में आप लोगों को लगभग 10 एक्टिविटियाँ दिखती है कि आपने 10 एक्टिविटी यहाँ पर की है। तो यहाँ पे आप बारी बारी से नेक्स्ट करते जाएंगे, आप लोगों को यहाँ पे जो जो भी एक्टिविटी हुई है 1 तारीख से लेके अभी तक जितना एक्टिविटी आपने किया है वो सभी एक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे तो जितना पेज आपका यहाँ पर दिखाएगा उस हिसाब से आप 10 से गुणा कर लीजिएगा तो उतना आपका एक्टिविटी यहाँ पर दिखेगा। यानी कि यहाँ पर 12 पेज दिखा रहा है तो 12 × 120 यहाँ पर एक्टिविटी पूरी की गई है इस आंगनबाड़ी केंद्र पे। तो इसी प्रकार से आप लोग को जितनी भी एक्टिविटी है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हर रोज़ आप लोगों को एक्टिविटी करनी है, ये 30 तारीख तक चलने वाली है। तो इसी प्रकार की नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।